हेलो फ्रेंड्स, वेलकम श्रीनिवास तड़का। तो आज हम बनाने वाले हैं फलूदा। तो मैंने इस तरह का एक फलूदा का पैकेट लिया दोस्तों, जो रेडी टू मिक्स है, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। ब्लू बर्ड का लिया है मैंने, 200 ग्राम्स पैकेट है ये, और मैंने केसर फ्लेवर का लिया है, आप दूसरा फ्लेवर का भी ले सकते हो, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ 1 लीटर के दूध की ज़रूरत है, 1 लीटर दूध से बन जाता है ये। और भी कुछ हम मिक्स करेंगे इसके साथ, तो शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध पतीले में, मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने, और इस तरह से स्टोर करेंगे और 2-3 मिनट इसे गर्म कर लेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे फलूदा मिक्स पैकेट। तो इसे गर्म होने देते 2-3 मिनट, इस तरह से स्टोर करते रहेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है, ये पानी है। इसमें 1 कप लिखा है पैकेट में, पर मैं 1/2 कप ही दे रही हूँ पानी, वरना बहुत पतला बन जाता है फलूदा। दूध गर्म हो चुका है दोस्तों, 2-3 मिनट हो गया है। अभी हम ऐड करेंगे पैकेट, पूरा डाल देंगे इस तरह से। फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे, इसे स्टर करते रहेंगे मिक्सचर का पैकेट ऐड करने के बाद। इसमें सारी चीज़ें ऐड होती है दोस्तों, जैसे कि सब्जा जो देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये सब्जा है, और इसमें फलूदा का सेव भी ऐड है इसमें। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे बाद में। हम मीडियम फ्लेम पर रखा है दोस्तों, इस तरह से स्टर करते रहेंगे जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच चलाते रहेंगे इस तरह से, 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे बनने के लिए दोस्तों। मीडियम फ्लेम पर रखिए, इसे चलाते रहिए। मैं यहाँ पर 1/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए, थोड़ा मिठास कम है इस पैकेट में। अगर आपको मिठास ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ना डालें, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिठास पसंद है। फलूदा में तो मीठा थोड़ा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा मीठा ऐड किया मैंने। स्टर कर लेंगे शक्कर को इस तरह से। अगर आप मीठा ना पसंद करें ज़्यादा तो ना डालें, मुझे मीठा बहुत पसंद है फलूदा में, और फलूदा मीठा भी होता है तभी अच्छा लगता है। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए इसे उबालते हुए मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हो फलूदे के सेव भी ये दिख रहे हैं। हम इस पर भी ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिया कुछ काजू, इस तरह से थोड़े से कट कर लिए मैंने, छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने बादाम लिया आलमंड्स क्रश किया हुआ, ये भी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। आपको अगर फूड कलर नहीं पसंद है तो ना डालें, मैं थोड़ा सा कलर के लिए डाल रही हूँ, थोड़ा कलर आएगा तो अच्छा दिखेगा। और भी इस तरह से मैंने थोड़ा कलर डाला है एक चुटकी। फूड कलर डालना ऑप्शनल है दोस्तों, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें। तो फलूदा हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से। और थोड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, और 5 मिनट, लगभग 15 मिनट हमने इसे चलाया है, अभी और 5 मिनट हम इसे चलाएंगे इस तरह से मीडियम फ्लेम पे। तो दोस्तों हमारा फलूदा रेडी है, आप देख सकते हो मैंने लो फ्लेम पे रखा है, बहुत गाढ़ा हो चुका है। मुझे टोटल 20 मिनट्स लगे, 20 मिनट लगा इसे बनने के लिए। फलूदा इस तरह से कुछ होना चाहिए गाढ़ा, आप देख सकते हो गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा बन जाएगा, थिक हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फ्लेम ऑफ कर देते हैं अभी। तो दोस्तों मैंने गैस से निकाल लिया है, इसे इस तरह से उतार लिया है। अभी क्या करेंगे, फैन ऑन कर देंगे, इस तरह से स्टर करते रहेंगे और ठंडा कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, ताकि इसे मलाई ना बैठ जाए ऊपर, कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं, इसे फ्रिज में रखना है, कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों तैयार है हमारा ठंडा ठंडा केसर फलूदा इस तरह से, इसे हम ग्लास में पोर करते हैं अभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास फलूदा का लंबा सा ग्लास है, अगर आपके पास है तब वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर, मेरे पास ये ग्लास अवेलेबल था फिलहाल, तो मैं ये ग्लास ले रही हूँ। अभी हम डालते हैं इसमें टूटी फूटी, थोड़ा सा डाल देंगे नीचे। यहाँ लिया मैंने आलमंड्स, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा फिनिशिंग टाइम भी डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा बचा के रखेंगे थोड़ा ऐसा। तो हम पोर कर देंगे इसमें, डाल देते तो इतना जगह बाकी रखेगी दोस्तों। आइसक्रीम डालेंगे इसमें, आइसक्रीम ऐड करेंगे अमूल का, आप चाहे तो केसर पिस्ता भी डाल सकते हो इसमें, अमूल का वेलिना आइसक्रीम मेरे पास, ये भी अच्छा टेस्टी होता है दोस्तों डालेगा तो। बट इसमें केसर पिस्ता भी आपको डालना है, केसर पिस्ता कुल्फी जैसे फलूदा में होता है, जैसे हम बाजार में खाते हैं तो उसमें केसर कुल्फी डालते हैं, बहुत टेस्टी होता है, वैसे ही आप डाल सकते हो। तो मेरे पास अभी ये अमूल का वेलिना फ्लेवर है तो ये डाल रही हूँ, आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हो।
आइसक्रीम डाल दिया, अभी इसे सजावट करते हैं और डेकोरेट करते हैं ऊपर से। और टूटी फूटी डाल देगी इस तरह से, और आलमंड्स क्रस्टेड, थोड़ा बादाम, कैशन नट्स इस तरह से। आप अपनी चॉइस का नट्स ऐड कर सकते हो दोस्तों। पिस्ता भी लाजम, मेरे पास पिस्ता नहीं है तो मैंने नहीं डाला, आप पिस्ता भी डाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों तैयार है हमारा ठंडा ठंडा केसर फलूदा, तो ज़रूर बनाइए दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इंस्टेंटली बन जाता है दोस्तों। सिर्फ बनाने के बाद ओवरनाइट रखिए इसे फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, और फिर इसे इस तरह से बना के खाइए आप, बहुत पसंद आएगा आपको। आप मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालिए, टूटी फूटी, जेली, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो, जैसे जैसे फलूदा में होता है, जैसे आप किशमिश, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो आप, आपको जो पसंद है। मैंने फ़िलहाल अभी जो है वही डाला है मैंने दोस्तों। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद है, ज़्यादा मिठास नहीं पसंद है, तो आप वैसे भी खा सकते हो जैसे पैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने यहाँ पर शक्कर ऐड किया है इसमें, क्योंकि थोड़ा मिठास मुझे कम लगा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ज़रूर बनाइए घर पर, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।